वो अलग बात है। आइए छोटा सा प्रसंग गीत हमारी तरफ से सुनिएगा और आदरणीय बड़े भैया अमित जी से निवेदन है, आप जो संचालन करना चाहते हैं एक बार फिर से कर दें तो दोनों पार्टियों को पता लग जाए। जैसा कि कार्यक्रम हमारा तो खैर आज कार्यक्रम नहीं है, सच ये है। हाँ, और हमने देखा है आपका व्हाट्सएप पे कार्यक्रम लगातार है, तो आप जैसा आदेश करेंगे, क्योंकि चालू हमने किया था कार्यक्रम, विराम उधर से होगा तो आप बता देना उस टाइम विराम होगा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा। प्यारी धुन है, बहुत बढ़िया। आइए सुनिएगा, छोटा सा खंड गीत है, कोई सवाल जवाब नहीं है, सुनिए। और साउंड वाले भैया मेरी आवाज को सुन रहे हो तो साउंड आपका बैठ जाता है, जब खींचते हैं तो दब जाता है, तो निवेदन है बस थोड़ी देर और एक राउंड और शायद होगा। हेलो भैया, चेंज कर दो, आवाज ही नहीं आती यार। हेलो, हाँ माइक सूट नहीं कर रहा। आइए, खैर कोई बात नहीं, हो जाता, इसमें टैप लगा दो भैया, टैप लगा दो तो महान कृपा होगी। हाँ, लगा दीजिए इसमें। चलो गाओ, टैप रात भर नहीं लगी है तो काहे टैप के चक्कर में हो। बड़ी प्यारी धुन, आइए सुनिए। हाँ, चेंज करते हुए जैसा कि गुरु जी का आदेश है। अरे नाक का नगीना देखा, बान का बोदी ना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमी ना देखा, चार में चिकर हो के जीत किया तो सारे तारे बोले बोले की लिया खा। अरे मेरी बात ज्यादा बात, तेरी बात बुरी बात, दल में कटोरा लेके आलू भात पूरी भात, मेरे पीछे किसी ने भी ईट किया तो सदा मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इसमें चोरी कोई छुपा है सोच ना जाने ना, इसमें क्या भला क्या बुरा है देखना जाने ना, पकड़ के खड़ा है कंबख्त सोच ना जाने ना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल मानना मानना मानना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल मानना मानना।
कुछ जैसा कि आदेश हुआ है कुछ मनोरंजन लाली जी जा रहे महाराज, थोड़ी देर और बस सुन लो। आप लोग बैठे हैं मेरे सभी लोग, तो दोनों कलाकार गा रहे हैं, मेरे भूल चली जाएगी तो हम लोग क्या गाए। हाँ निवेदन, बस थोड़ी देर और। हाँ आपका घर पास में होगा तो हमें तो बहुत दूर जाना है, हम तो सुबह 11 बजे के चले तब शाम को लगवाए आगे हैं। हाँ आइए, एक बार की बात, अमित भैया हनुमान जी छोटे हैं, आदरणीय के भैया, कोई सवाल जवाब नहीं, ना ही ये है कि मैं वैसे जवाब मांगने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए आप सुनाना जो सुनने सुनाने वाला मैटर हो, उसके बाद में जैसा भैया का आदेश होगा वैसा होगा। आइए, एक बार हनुमान जी छोटे हैं और छोटे में हनुमान जी की हरकतें बहुत हैं, कहीं सूर्य को निगल लेते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते, लेकिन एक दिन तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, बहुत उथल फुथल कर दिया, गड़बड़ ये कर दिया कि ऋषियों की लंगोटियों को उठा उठा के जल में फेंक दिया और कहीं पेड़ों पर टांग दिया। जब ऋषियों ने ये देखा, उनका कृत्य देखा, तो ऋषियों को क्रोध आ गया और हनुमान जी से बोले, इस लड़के को तमीज नहीं है लगता है, तमीज नहीं है तुम्हें, और भाभी जी ऐसा मत समझना कि ऋषियों ने ऐसा कह दिया, ऋषि भगवान ने खुद कहा है, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिया, भगवान से भी बड़ा भक्त होता है। तो और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि भाला वाले से भिड़ जाओ लेकिन माला वाले पे ना, भक्त बड़ा नहीं होता। तो शंकर तो आज शंकर जी को घंटा डाल ले, वो आज वो ऋषि कहने लगे कि मैंने बड़े बड़े महावीर देखे लेकिन ऐसा कोई ढीठ बालक नहीं देखा। बहुत ढीठ है ये, तो श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, तुझे जिस बल पर अभिमान है, तुझे जिस बल पर घमंड है, उस बल को तू भूल जाएगा, आज शक्ति को भूल जाएगा। जब ये वरदान, ये श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद सभी देवता आए कि तुमने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया चंदन, क्या कर दिया, इतने छोटे से बालक को इतनी बड़ी सजा, और सजा दी है वो भी सोच समझ के देते संजय भैया, वो भी सोच समझ के देते, क्योंकि हनुमान जी का जन्म इसलिए हुआ है कि राम की सेवा करें, और राम की सेवा जब ही हो पाएगी जब इनके पास वो शक्तियां होंगी। लेकिन ऋषि लोग क्या कहने लगे उन देवताओं से, सुनिए, अरे वीर महावीर देखे बड़े रणे धीर देखे बड़े ही अधीर देखे बड़े दम धीर देखे ऐसा नहीं धीर बाल बन में कुमार से छुड़ाए छक्का छक्का। वीर महावीर देखे बड़े गंभीर देखे बड़े रणधीर देखे जो ऋषियों के छुड़ाए छक्का छक्का। और आगे, अरे मारे लाप मारे हाथ माने नहीं कोई बात, पूछ में लपेटा दे घुमा दे जो चक्रवात, और ऋषियों के उड़े हो जो कल कित को पीछे से ही मारे देखो धक्का। ऋषियों को पीछे से मारे धक्का, हम जब भजन करते हैं तो ये पीछे से धक्का मार देता है, ये बड़ा ढीठ बालक है, ये समझ रहा है ये टंपू धक्का प्लेट है। हाँ और क्या कहा, चढ़ रही गर्भ की ये सुराही किसी की मानना, अब तो क्या भला क्या बुरा है फर्क पहचानना, अरे पल भूल के खला है कम बक्त सोचना जानना, ये तमीज ये तमीज ये मानना, ये तमीज को ज्ञान नहीं है कि आखिर हम ऋषियों के साथ में कर क्या रहे हैं, अरे बे तमीज ये माने ना माने ना माने ना, बोले सच्चे दरबार
गाना बजाना। धन्यवाद, बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुना आपने। और क्या कहना, सुनना कुछ भी नहीं है। हाँ, सांप निकल गया है पूंछ, बाकी वो भी निकल ही जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात चंदन भैया, आपने तो कुछ नहीं कहा, उसके लिए आपको धन्यवाद है, पर आपके नीचे वाले नहीं मानते। वो इतने ज्ञानी हैं। और क्या, उनको बार बार मैं निवेदन करूंगी कि अब की आप बैठ जाइएगा, उनको एक चक्कर खड़ा। हाँ, शंकराचार्य जी को खड़ा किया गया है ना, तो उनकी भी थोड़ी भड़ास, उनकी इच्छा निकल जाए। हाँ, जो उनके अंदर अभी भरा है वो निकल नहीं पा रहा है। और क्या, मैं क्रोधी हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने पहले लिखा, मैंने फिरोजाबाद में पहले गवाया। हमको लगता है, अरे श्रीमान जी, आपने क्या गवाया क्या लिखा, ये कानपुर वाले फिरोजाबाद में नहीं थे। और केएस चैनल वालों ने वही नोट किया जो आपने गाया। और संतोष राही जी, दादाजी श्याम तूफानी जी आपसे पहले मंडल चला चुके हैं। ये सब कीर्तन के जन्मदाता हैं। जन्म कांत, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया आपने कि आपने लिखा है तो आपका ही है। जी आपने लिखा ही नहीं, क्या पता आप ही ने चुरा लिया हो। झूठ कसम खाते, मैंने इसीलिए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आपका गीत चोरी का है। मैंने कहा मैंने ये गीत कई लोगों से सुना है। सुना है, मेरी बात भी तो सुनिए। अब वो आपका है उनका है, लेकिन मुझे मालूम है ये किसका है। और क्रांति माला को आपसे ज्यादा अनुभव है कीर्तन का, चंदन जी। मैंने आपसे ज्यादा मंच देखे हैं, मैंने आपसे ज्यादा कार्यक्रम किए हैं, तो मुझे आपसे ज्यादा कलाकारों का सामना करना पड़ा है। मुझे पता है कि कौन कलाकार किसका कौन सा गाना है। तो मैं उनसे नीचे जो हमारे बाबूजी बैठे हैं, वो हर चक्र में दुनिया की शायरी पढ़ रहे हैं, दुनिया के ज्ञान बांट रहे हैं। क्रोधी, क्रोधी जब आपके टाइटल है में क्रोधी है, तो फिर आप प्यार कहाँ दिखा सकते नहीं, बस ठीक। आपकी आत्मा को भी परमात्मा वास नहीं कर सकता क्योंकि आप क्रोधी। चलिए, आपने एक बात और कही, कन्हैया और राम पांच तत्वों से बने ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी कमी आपकी ये है कि आप दूसरे का गाना बिल्कुल गलत कर देते हैं। मेरे गुरु ने एक बात मुझे सिखाई कि बेटा, सामने वाला अगर कुछ गा रहा है तो उसकी बात को गलत मत करिए, अपनी बात रखिए। क्या पता उसने पढ़ा हो, पढ़ा हो, आप खाम खाई कोई बयाना ले रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने कोई प्रमाण दिखा दिया आपको कि कन्हैया जी पैदा हुए, तब 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 इसीलिए मैंने शुरू से कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। अच्छा, ये जो आपकी तरफ लिखते हैं, ये भी जानते हैं कि पुस्तकों में ये भी लिखा है कि कन्हैया पैदा हुए, इसीलिए लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्म की अष्टमी। अगर जन्माष्टमी ना मनाते तो उसका नाम होता प्रगटाष्टमी। प्रगटा, फिर इसको लोग जन्माष्टमी नहीं कहते, इसको प्रगटाष्टमी कहते। मैं दोनों बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात गलत नहीं कर रही हूँ, पुस्तकों में लिखा है और मैं पुस्तक का नाम बता रही हूँ। आपके पास अगर देवी भागवत हो तो उसमें पढ़िएगा, उसमें कन्हैया का जन्म भी लिखा है। पेज नंबर इतना काम अपने घर में करिएगा, डाकर सब हम ही बता देंगे, तो काहे का मंडल। अभी काफी अध्ययन करिए, अभी नए नए आए हो। हर बात किसी की गलत मत किया करिए। आपने पहले भी मेरे गाने को गलत किया, फिर अब आप कहने लगे ये गलत है, आपका है ही नहीं ऐसा। नहीं, आपका भी जो पढ़ा है आपने वो भी लिखा है, और जो मैं गा रही हूँ उसको भी लिखा ही है। क्योंकि कीर्तन एक ऐसा मंच है, इस पर कलाकार झूठ नहीं बोल सकता, इस पर वही गाना पड़ता है जो वेद पुराणों में लिखा है। हाँ, एक बात और आप करें कि जो प्रकट होते हैं उनमें पांच तत्व होते ही नहीं। अच्छा, तो फिर उनमें कौन सा तत्व होता है? क्यों वो घनत्व होता है क्या? अरे पहली बात तो जो कन्हैया है वो नर रूप रख कर आ रहे हो, भगवान बने ही नहीं। आप दुनिया जानती, आम इंसानों की तरह उन्होंने मिट्टी खाई, माखन चुराया, गैया चराई, बंशी बजाई, ये आदमी करता है, भगवान नहीं करते। और ये काम किया भगवान ने आकर, प्रभु राम ने शबरी के बेर खाए, केवट से पैर धुलाए, रावण को सीता को हर ले जाने दिया, लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं, कई के कहने पर जा रहे हैं, ये सब इंसान करता है। अगर भगवान होता तो वहीं से रावण को मार देता, इतने बड़े रामायण लिखने की जरूरत है क्या?
इसलिए आप लोग केवल बहस करते हैं। बहस भगवान क्रोधी पांच, और मेरे गीत का कट्टीस का तो जवाब है ही नहीं आपके पास। मेरी लाइन कह रही थी कि वो है चितिजल चितिजल पावक और है वो गगन समीरा से, श्री राम खीर से जन्मे कृष्ण जी खीरा से। एक मात्रा का हेर फेर है और क्या? आपने बस काम चला दिया, पांच तत्वों से जन्मे नहीं। मैं उतनी ही बात करूंगी जितनी आपने की है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं कहूंगी। आप अपने गीत गा लेते, जवाब नहीं देते। आप अपने गाने बढ़िया गाते हो, दूसरे घर से भगाते हैं। भगवान राम सीता जी को भगाते हैं, कन्हैया भगा के लिए आते हैं। बढ़िया शिक्षा दे रहा हूँ, सब लोग भगा लाओ उनको। अच्छी समाज को शिक्षा दे रहा हूँ, कन्हैया भगा। इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा। धन्यवाद भाई साहब को। भैया हमारे देखिए, जहाँ जानकार श्रोता होते हैं चंदन भैया, वहाँ हम हो या चाहे आप हो, कलाकार कभी पागल नहीं बना सकता जनता। जनता इतनी समझदार होती है, जनता चाहे तो सरकार बना देती है और जनता चाहे तो लाचार बना देती है। लेकिन ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए। जिनको मेरी बात समझ आ रही, जिनको लग रहा है कि लड़की सही कह रही, वो मेरे आपके जाने के बाद भी बैठकर डिस्कस करेंगे। भले ही सच्चाई कुछ भी हो रहा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब हमारे आप करें, आपकी बिल्कुल सच्ची बात पर ये 100 रुपए का पुरस्कार है, तो मैं चाहूंगी इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आपको बजा दें कि कम से कम ऐसे श्रोता भी भैया लोगों की तरह, आप लोगों की तरह ऐसे लोग बैठे हैं। हृदय से नमन कर रही हूँ। चलिए काम खत्म, बस चलिए। एक कट्टी आपने दिया है इतनी जल्दी जल्दी। पान में पुदीना देना, चिकना चुमी ना देखा, मैंने तेरे की जमीन में भी टिक किया तो तेरे दिल ने ही मारा मुझे मक्का। तेरी बात मेरी बात पूरी बात आलू भात ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात तेरे पीछे बैठ मैंने भी से किया तो तेरे दिल में नहीं मारा मुझे मक्का। यही तो धुन है, यही है हमारे कीर्तन भगवान। अब देखो और कहाँ पहुँचेगा, और क्या, इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। बस कीर्तन में अब यही रह गए, आलू भात पूरी भात तेरा भात। जय हो, जबरदस्ती छोड़े और ये शर्म जो भी प्यार ये जानना, दिल को देखता हूँ मैं ऐसे ये भी माने ना, कम वक्त ये ऐसे खड़ा है जब ये थाने ना, तो बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना। हालांकि जब मेरे गाने का जवाब देने की बारी आती तो आप एक लाइन में निकल लेते। शराफत छोड़ दी मैंने। धन्यवाद राजू भैया, आप तो स्वयं कलाकार हैं। हमारे राजू भैया कह रहे हैं कि जवाब एक अंतरे में नहीं होता, इनसे बताइए। धन्यवाद, बस इसीलिए हम चाहें तो हम अपनी जिद पर कह दें हमें आपका कोई जवाब नहीं देना और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। और क्या, क्योंकि आप मेरा ही जवाब नहीं दे रहे तो हम आपका क्यों दें भाई। जब जवाब ही करने आए तो पहले जवाब दीजिए, तब जवाब मांगिए, तब जवाब मांगिए। चाहे तो हम अपना टर्न यही अपना गाना गाएं और बैठ जाएं, लेकिन नहीं, ये जनता के साथ धोखा है। ज्यादा आता हो कम आता हो, लेकिन जवाब देना चाहिए, देना चाहिए। अब हमारे भैया ने थोड़ा इशारा कर दिया, राष्ट्रीय गीत सुना दीजिए, तो आपने शराफत छोड़ दी मैंने गले ही पड़ गया मेरे, उसको छोड़कर आप कहने के भैया कह रहे समय ज्यादा हो रहा है, 5 बज रहा है, तो अपना गाना गा दीजिए। अच्छा, अपना गाने गाने के लिए समय नहीं हो रहा है, पतली गली से निकल रहे हैं, जवाब देने के लिए समय हो रहा है, क्या कर रहे हो चंदन जी? बढ़िया बेतमीज़ ये बेतमीज़ ये बेतमीज़ ये माने ना माने ना,
बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माना। इतनी जल्दी जल्दी कट पीस का क्या जवाब लिखा जाए, इतना लपेटे में आपने गाया है इसको, और लेकिन हनुमान जी हैं उसमें कुल मिलाकर। वीर महावीर देखो बड़ा गंभीर, देखो बड़ा बलवीर, देखो मौके का तीर, देखो भुजाएं उड़ाने जैसी, पीछे से मारा उसने धक्का। पूरी लाइनें मैं नोट नहीं कर पाई हूँ आपकी, क्योंकि आप इतनी जल्दी जल्दी गा गए, और मुझे अच्छा तब लगा जब हमारे हमारे अमित भैया आए, कहने लगे नहीं आपको जवाब देना है, तो हमें अच्छा ही लगा कि उधर जवाब नहीं देना इधर देना है। लेकिन ये भी सही, हम जवाब देते हैं इसलिए हमें देना है, हम तो आए हैं इसीलिए। और क्या, हालांकि बाद में उन्होंने कहा अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आप भी मत दीजिए, जब मैंने उनसे कहा कि उधर से तो जवाब आ ही नहीं रहा तो उन्होंने कहा आप भी मत दीजिए। हम लोगों को जवाब देना आता है बेटे, मैं प्रयास कर रही हूँ। शाबाश। अंजनी का लाल मिला करके कमाल मिला, बड़ा नौ निहाल मिला। अंजनी का लाल मिला करके कमाल मिला, बड़ा नौ निहाल मिला, ऐसा माया जाल मिला है गए सारे हका बक्का। कुछ मैंने लिखा है, कुछ मैं आपको ऐसे ही सुनाई दिए। अंजनी का लाल मिला करके कमाल मिला, बड़ा नो निहाल मिला, ऐसा माया जाल मिला, रह गए सारे हका बक्का। सूर्य जब वो लाल मिला, लाल का कमाल मिला, सूर्य को निकलने के लिए ऐसे वो लाल मिला, कैसा हुआ है भाव चक्का। क्या बात है, हनुमान जी ने सूर्य को लाल लाल देखा। माता अंजनी ने कहा मैं जा रही हूँ, हनुमान ने कहा भैया आपको जाने के बाद खाऊंगा क्या। ये माँ ने कहा बेटा तुम्हें जो लाल लाल दिखाई दे वही खा लेना। खा लेना। हनुमान आकाश में उड़े और बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन लोक भयो अनिया। तो सूर्य जब वो लाल मिला, लाल का कमाल मिला, सूर्य को निकल के वो ऐसा माया जाल मिला, कैसा है माल मिला, ऐसा तुम लाल मिला देखो वो कैसा भाव चक्का। और एक काम कर दिया हनुमान जी ने, सूर्य को तो निकला ही, लेकिन लोगों ने जब हनुमान की भक्ति पर शक किया तो हनुमान ने एक काम और कर दिया। क्या? हनुमान को देखा लोगों ने, मणियों की माला तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं, लोगों ने कहा हनुमान इसमें क्या ढूंढ रहे हो। हनुमान ने कहा जो मुझे चाहिए वो नहीं है। लोगों ने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा मेरे राम जानकी इसमें नहीं है। तो लोगों ने कहा अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। तो हनुमान जी ने किया क्या, करता काम है निराले वो आए छवीला। करता काम है वो निराले आए है छवीला, तो भक्ति में आकर के उसने फाड़ दिया सीना। भक्ति में आकर के उसने फाड़ दिया सीना, और जब सीना फाड़ दिया तो लोगों ने कहा कि राम भक्त ये, राम भक्त ये, राम भक्त ये मन। आधे सेकंड में आपका जवाब है, और इसको मुंह जवानी गा रही हूं मैं, लिखा बड़ी में नहीं, कम से कम भाभी इतनी तो समझदार रही है। और क्या, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कहीं कुछ लिखा नहीं, आपको सबसे बता रही हूँ, एक लाइन लिख पाई तब तक आप बैठ गए। इसको मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, और जितना जोड़ दिया आपकी तालियां मिल गई, मेरा जवाब सफल हो। सफल हो। तो भक्ति में आकर के उसने फाड़ दिया सीना। तो लोगों ने कहा ये राम भक्त है, राम